कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज फिर हम दोबारा जो है टॉपिक नंबर 2 के बारे जाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर रोड साइन और मार्किंग हैं। दोस्तों इसके हम लाइव जो क्वेश्चन होते हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक नंबर 2 के जो होते हैं वो क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, रोड साइन और मार्किंग। इसके अंदर भी दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं 10 क्वेश्चन होते हैं, अगर 2 हमारे गलत हो जाते हैं तो हम एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा हमारा एग्ज़ाम। तो इसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम दिया गया है। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिहाइंड द रोड साइन विद ए वाइट बैकग्राउंड ऑन द शोन सेक्शन ऑफ द रोड। ये जो दोस्तों एक साइन लिखा हुआ है गोमल, ये एक सिटी का नाम है। इस साइन का क्या मतलब होता है? दोस्तों नंबर 1 है, देयर आर स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द रोड ट्रैफिक रेगुलेशन दैट इस्टेब्लिश द ऑर्डर ऑफ द रोड ट्रैफिक इन सेटलमेंट। नंबर 2, स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैफिक रोड रेगुलेशन डोंट अप्लाई इस्टेब्लिश द ऑर्डर ऑफ रोड साइन। तो दोस्तों इस साइन का मतलब होता है कि साइन के बाद एक स्पेशल ट्रैफिक रूल जो होते हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो दोस्तों नंबर जो होता है 1 वो सही है। दोस्तों विच ऑफ द शोन रोड साइन इन्फॉर्म अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द सेटलमेंट। दोस्तों ये जो कौन सा साइन है इनमें से जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो सीमत को शो कर रहा है बहुत सारे सिटीज़ को। दोस्तों नंबर 1 जो होता है ये साइन एक डायरेक्शन को शो कर रहा है जो मुख्तलिफ सिटीज़ को दिखा रहा है कि एक कौन सा सिटी कितने किलोमीटर पर मौजूद है। दोस्तों तो नंबर 1 जो होता है फर्स्ट, जो नंबर 4 है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाट डज द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरिज वे मीन्स। रोड के ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? दोस्तों इसका मतलब होता है रोड नंबर, ये P25 ये रोड नंबर लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, 2 नियरेस्ट सेटलमेंट लिखा हुआ डिस्टेंस, नंबर 3 रोड नंबर है ये। नेक्स्ट दोस्तों, विच व्हीकल आर अलाउड टू स्टॉप विथ इन द रेंज ऑफ द साइन शोन। कौन सी जो गाड़ी है वो यहाँ पे रुक सकती है, पार्क कर सकती है? दोस्तों ये नीचे साइन के जो होता है ये डिसेबल्ड पर्सन की जो चेयर बनी हुई है वो बनाई गई है। इससे मतलब है कि नंबर 1 टैक्सी कर सकती है, नंबर 2 डिसेबल आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ कर सकता है, ऑल व्हीकल एक्सेप्ट द डिसेबल नो, 2 जो है वो सही है। जो डिसेबल पर्सन होता है गाड़ी उसकी जो साइन होता है डिसेबल बना होता है गाड़ी के ऊपर, वो जो होता है वो स्टॉप और पार्किंग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द सिचुएशन शोन आर यू अलाउड टू स्टॉप एंड इंडिकेटेड प्लेसेस। आप स्टॉप कर सकते हैं गाड़ी को? दोस्तों ये जो स्टॉप और पार्किंग लिखा निशान है, जो साइन है उसके नीचे बिल्कुल एरो का निशान है, इसका मतलब है इससे पहले आप पार्क नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है बी एरिया पे आप पार्क कर सकते हो, अलाउड ओनली बी प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विल कार ड्राइवर वायलेट द रूल इन द शोन सिचुएशन इफ़ दे इन परफॉर्म द शोन मैन्यूवर्स। कौन सी मूवमेंट जो होती है विल द कार ड्राइवर वायलेट, कौन सी मूवमेंट से कार ड्राइवर जो होता है वो रूल को वायलेट करता है? दोस्तों नंबर 1 पर है ड्राइवर ब्लू कार वाला, नंबर रेड कार वाला, बोथ करते हैं और बोथ नहीं करते। तो दोस्तों रेड ब्लू कार वाला जो है ये वायलेट करता है, उसकी वजह ये है क्योंकि रेड कार वाले की तरफ सॉलिड लाइन नहीं है और ब्लू कार वाले की तरफ सॉलिड लाइन है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता जिसकी वजह से वो वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट कैन द शोन रोड मार्किंग, ये एरो जो होता है वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? दोस्तों नंबर 1 अबाउट अप्रोचिंग द नैरोइंग ऑफ द कैरिज वे, रोड का नैरो होने को शो कर रहा है। अबाउट अप्रोचिंग द डेंजरस को शो कर रहा है, डेंजर को। नंबर 3 अबाउट अप्रोचिंग द लाइन ऑफ कैरिज वे, रोड इंटेंडेड मूवमेंट ऑफ द रोड व्हीकल को शो कर रहा है कि किस जगह पे होंगे। नंबर 4 अबाउट परमिटेड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलोंग द लाइन उसको शो कर रहा है। तो दोस्तों ये नैरोइंग ऑफ द कैरिज वे यानी कि रोड का नैरोइंग को छोटे होने को शो कर रहा है। आर यू अलाउड टू स्टॉप एंड पार्किंग स्टॉप इन द सिचुएशन शोन बिहाइंड द रोड साइंस। दोस्तों इस साइन पे आप अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सकते हो? दोस्तों नहीं कर सकते क्योंकि येलो लाइन जो है वो बनाई गई है और येलो लाइन जो है इसको हम क्रॉस करके रोड को पार्क नहीं कर सकते। येलो लाइन को क्रॉस कभी भी नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग मना है, पार्किंग और स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज द शोन रोड साइंस इन्फॉर्म द रोड यूज़र अबाउट, ये साइन किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? दोस्तों 134 इसका ये मतलब है, नंबर 1 अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट रीजन सेंटर, डिस्टेंस नियरेस्ट रीजनल सेंटर्स। नंबर 2 रोड नंबर को शो कर रहा है। नंबर 3 अबाउट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सेटलमेंट, डिस्टेंस को शो कर रहा है। अबाउट रिकमेंडेड स्पीड फॉर द स्पीड को शो कर रहा है। अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रोड,
ये नंबर 5 सही है, अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रोड किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर जो रोड जो शुरुआत हुआ है उसको शो कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द ड्राइवर ऑफ ए पैसेंजर कार वायलेट द ट्रैफिक रूल्स बाय स्टार्टिंग इट टू ओवरटेक द बस इन द सिचुएशन शोन। दोस्तों ये वाकई वायलेट करेगा क्योंकि ये ऊपर साइन बना हुआ है, ओवरटेकिंग मना है 300 मीटर के अंदर आप वायलेट नहीं कर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। नंबर 1 है विल नॉट वायलेट, वायलेट नहीं करेगा इफ़ यू फिनिश ओवरटेक लेस देन 300, अगर 300 से पहले कर ले। नंबर 2 विल नॉट वायलेट इफ फिनिश ओवरटेकिंग मोर देन 300 से ज़्यादा कर ले, तो वायलेट करेगा इन एनी केसेस के अंदर ये वायलेट करेगा। 10 क्वेश्चन हमने 5 मिनट का टाइम लिया है, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।